तो भाई 12 का हूँ कि गर्मी से निकलकर हम लोग आ चुके हैं कहाँ, ये देखो चेक करो भाई, आपको दिखाएंगे आप। सबर करो, यू जाओगे, सबर करो, सबर करो, यू करोगे भाई। मैं कहता हूँ खूबसूरत तरीन जगह है। ओ भाई साहब, आप रूम चेक कर रहे हो? हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। तो भाई आज है डे वन हमारा रावलपिंडी में। कल हम पहुंचे हैं भाई कराची टू रावलपिंडी बाय ट्रेन ग्रीन लाइन। भाई बड़ा मज़ेदार सफ़र था, लेकिन आज और भी ज़्यादा मज़ेदार वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज मैं शूट कर रहा हूं वाइड एंगल में। देख रहे हो भाई कितना वाइड एंगल है। खैर ये मजाक की बात थी भाई, आप लोग मरी नथिया गली तो बहुत घूम लिए, लेकिन आज KPK का आप लोगों को ऐसा मज़ेदार एक हिडन जैम दिखाऊंगा जहां मुझे नहीं लगता कि आप लोग गए होगे अब तक। कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, सब बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं दिखा देता हूं कि हमारे साथ कौन कौन जा रहा है। भाई मजाक भाई कैसे हो, ठीक ठाक हो? वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक सब खैरियत से। ये हमेशा साथ रहता है हमारे, बाकी दूसरी चीज आपको पता है। ओ ये आ गया दूसरा शख्स, हीरो हमारा। बस ये सऊद, ये किस चीज का शुक्रिया अदा कर रहे हो? ये शुक्रिया इस चीज का कि सऊद भाई ने रिकमेंड किया फिर से हमें। सऊद ने वो जगह रिकमेंड किया हमें, पेशावर पहुंच गए हम। क्या बात है, सऊद है हमारे साथ, रजाक है, और हमारे साथ है अफान। अफान कैसे हो, ठीक ठाक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अफान को आपने फर्स्ट टाइम हमारे व्लॉग में देखा है, लेकिन अभी दो तीन दिन देखते रहोगे साथ में, ऐसा ही है ना? बिल्कुल भाई, हम चार लड़के जा रहे हैं यहाँ से कहाँ, खानसापुरा। भाई आप बताओ अफान थोड़ा सा, खानसापुरा कहाँ पे है, कैसे है, क्या लोकेशन है? अच्छा, यहाँ से हम एक्सप्रेस हाईवे की तरफ से जाएंगे, और इंशाल्लाह बीच बीच में बहुत सी डिफरेंट प्लेसेस नजर आएंगे आपको। उसके बाद ये IUBS से थोड़ी सी आगे जगह है खानसापुरा, तो लोगों ने इतनी डिस्कवर नहीं की, तो हम आपको अपने व्लॉग से दिखाएंगे इंशाल्लाह। बड़ी पुरसकून जगह है, और बहुत व्यू बहुत बहुत अच्छा उसका, बहुत ही खूबसूरत व्यू। कश्मीर भी आपको नज़र आता है थोड़ा बहुत, उससे आपको नथिया गली वाली साइड भी मिलती है, मरी वाली साइड से भी आप क्रॉस करके जाते हैं, और पुरसकून इलाके इंशाल्लाह आप बिल्कुल इंजॉय करेंगे। चलो भाई तो फिर चलते हैं, जा भी हम बाय रोड रहे, मज़ा आने वाला है, सारी सीनरी दिखाऊंगा। चलो भाई बैठो बैठो जवानों, ये रही हमारी गाड़ी, बैठो भाई। चलो भाई बैठना स्टार्ट करो, कुली कुली। अबे सामान उठाने में अब तुझे मौत आ रही, जल्दी कर जल्दी कर, तो चले फिर चलो। तो भाई एक घंटा ड्राइव करने के बाद काफी ट्रैफिक था, हम लोग 12 कहूँ में एक मार्ट पे रुके हैं, कुछ ले रहे, मिली पापड़ नहीं ले रहे, कुछ रिफ्रेशमेंट वगैरह ले रहे हैं। सऊद भाई ने भर लिया भाई, रिफ्रेशमेंट का सामान भर लिया है, सारे फंटा पीने सब ने है रजाक, फंटा हमारी अलग मोहब्बत है। चलो 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 चलो, सऊद भाई ले ली रिफ्रेशमेंट वगैरह, ताकि रस्ते में कोई यार मुश्किल ना हो। तो यहाँ तो बहुत गर्मी है 12 कऊ में, आगे जाएंगे ना, आगे मौसम थोड़ा भी है। चलो भाई चलो, तो भाई रिफ्रेशमेंट वगैरह ले ली है, अब बैठेंगे हम गाड़ी में और आगे बढ़ेंगे, यहाँ बहुत कड़क गर्मी है। रजाक भाई गर्मी है टाइट, यहाँ तो गर्मी तो है ही नहीं, है ही नहीं। चलो भाई, तो भाई 12 का हूँ कि गर्मी से निकलकर हम लोग आ चुके हैं कहाँ, ये देखो चेक करो कैसा व्यू है, लग रहा है भाई क्या बोलोगे भैया, ओके है, मजा आ रहा है। बादल चेक करो आप, बादल देखो, व्यू देखो भाई, ये देखो रोड देखो। अफान भाई कहाँ लेकर आ गए हो हमें? बस ये एक्सप्रेस वे चल रहा है अभी तक, मरी का एक्सप्रेस वे ही चल रहा है, ये एक्सप्रेस वे चल रहा है, गैस वगैरह टाइम थोड़ा सा आगे जाएंगे इंशाल्लाह। फिर कितना टाइम लग जाएगा? अभी भी हमें खासपुरा पहुंचने में तकरीबन लग जाएंगे, करीब कोई 2.5 घंटे लग जाएंगे। 2.5 घंटा अभी भी लगेगा? 2.5 घंटा अभी भी लगेगा भाई, बहुत ही लंबा सफर है, लेकिन व्यू ऐसा होने वाला है ना, ऐसी जगह हिडन जेम दिखाएंगे ना, मजा आ जाएगा। मोटा भी साथ है, भूख लग रही है, सफर का पता ही नहीं चल रहा है, 2 घंटे या 4 घंटे बैठा ऑफिस। वो क्यों भाई, अभी तक तो हम अपना सफर एंजॉय कर रहे हैं, सीनरी एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी डेस्टिनेशन है ना, वो पहुंच के जब आपको मैं दिखाऊंगा ना, मजा आ जाएगा। अभी आप लोग एंजॉय करो, मेरे साथ साथ भी हो। सो भाई जो लास्ट लोकेशन थी हमारी, उससे भी हमने तकरीबन कितनी ड्राइव करी होगी, 15 मिनट 20 मिनट, 20 से 25 मिनट। सऊद मजा आ रहा है फिर, बिल्कुल बिल्कुल। चलो खैर अभी हम आपको सेव और सेव रास्ता ही दिखाना चाह रहे थे भाई, ये रास्ता जा रहा है मरी की तरफ, ये दिख रहा होगा आई लव मरी का बोर्ड आपको, ये रास्ता मरी चढ़ रहा है,
अच्छा मरी के रास्ते के लिए जब आप लोग आ जाओगे तो मरी नहीं मुड़ना, यहाँ से मुड़ना है राइट लोकेशन पे, वो देखो आप लोग अयूबिया नथिया गली। लेकिन अयूबिया और नथिया गली में भी हमें नहीं जाना, हमें वहाँ से जाना है खानसापुरा। तो अभी इस तरफ चलेंगे, रजाक है, सऊद है, मज़ेदार लोकेशन दिखाऊंगा, चलो फिर। भाई कड़कती दड़कती धूप से नथिया गली की तरफ जा रहे हैं, नथिया गली भी नहीं, रजाक दिखाएगा आपको। रजाक एंजॉय कर रहे हो फिर? फुल मजे में, फुल मजे। क्या खा रहे हो? निम्को खा जा रहे हैं, मजा आ रहा है। ऐसे तो नहीं होते। सऊद भाई आपको मजा आ रहा है? यार राय में यहाँ पे और दोबारा भी जा रहे हैं, बड़ा मजा है। मजा ही मजा है भाई, यह है ना, ये कराची से पहली बार आए लग रहे हैं दोनों। भाई एंजॉय करते हुए जा रहे हैं हम लोग, मजा आ रहा है। अभी आप लोगों को दिखाते रहे व्यू भी। अपन भाई बोलो, माने अपन भाई जैसे पहुंचे, अपन भाई आ रहे हैं वाइड एंगल लेंस से, भाई आप सब आ रहे हो। तो बड़ा मजेदार व्यू है, आप लोग भी एंजॉय करो, लोकेशन पे पहुंचेंगे तो जरूर दिखाएंगे। तो भाई अभी अभी हम लोगों ने लिया है एक और टी ब्रेक स्टॉप भाई, तो हम लोग काफी थक गए थे, काफी ज्यादा हम लोगों ने ना जो है हाइट तक हम लोगों ने ड्राइव कर ली है। और हमारे साथ एक ही लड़का है, मसला पता है क्या आ रहा था, रजाक को भी ना थोड़ा थोड़ा सा मतलब घबराहट हो रही थी, और मुझे भी हमने बोला यार थोड़ा रुकते हैं और एक टी ब्रेक लेते हैं, चाय वाय पीते हैं। अभी मैं व्यू दिखाता हूं, लेकिन उससे पहले सऊद, और सऊद के साथ सीन क्या हो गया? सऊद आया भाई, जैसा कि हम लोगों को पता है चड्डा पहन के। देखो मैं लो, ठीक है, और जो है ना ठंड की कंडीशन इतनी नहीं है, है मेरे हिसाब से नहीं अच्छी है। खासी है, है लेकिन मुझे नहीं लग रही है। टेम्परेचर है देखो यहाँ पे होगा तकरीबन 17 के करीब, 17-18, और नीचे कितना था, 40, नीचे 30 से 32 था, मतलब नीचे थी भाई कड़क धूप, गर्मी खतरनाक, और यहाँ पे अच्छी खासी ठंड है, और मतलब लोग जैकेट भी पहने हुए हैं, और वो कह रहे हैं कि रात में और ज्यादा ठंड हो जाती है। अब मसला ये है, मैं भी टी शर्ट में आया हूँ, रजाक भी टी शर्ट में आया है, तो और सऊद चड्डे में आया है। रात में घूम फिर लेंगे, मसला नहीं, चलो मसला नहीं है। हम भी ऐसा करेंगे कि हम भी अपने लिए ना कोई शॉल वॉल ले लेंगे। अभी व्यू चेक करो सिर्फ आप लोग, ये देखो क्या व्यू है, मजेदार लग रहा है ना। फिर तो अभी हम लोग यहाँ पे टी ब्रेक करेंगे, चाय वाय पियेंगे, आप लोगों को व्यू भी दिखाते हैं, मजेदार वीडियोस बनाते रहेंगे और फिर आगे चलेंगे। तो भाई साथ साथ लोकेशंस भी समझाता जा रहा हूं और व्यू भी दिखाता जा रहा हूं आपको। अब दिखाता हूं कि कौन सा रास्ता जा रहा है नथिया गली और कौन सा जा रहा है खानसापुरा। ये रास्ता आ रहा है भाई मरी की तरफ से ना, मरी से आप आए, यहाँ से अगर आप सीधा जाओगे तो ये रास्ता चले जाएगा नथिया गली, और ये रास्ता ऊपर की तरफ चला जाएगा खानसापुरा। आप लोगों को बोर्ड भी दिख रहा होगा यहाँ पे। सऊद वो बंदा जैकेट पहना हुआ है, वो भाई हमारा शाल पहन के बैठा हुआ है अंदर, और तू चड्डे में भाई, उनको रात ही गुजारनी है, मुझे रात होटल में स्टे करना है। होटल में भी स्टे करना तो ठंड तो लगेगी ना, मैंने वहाँ पे बंदोबस्त है, बंदोबस्त है। रजाक मजा आ रहा है फिर? मजा ही। रजाक तो भाई फर्स्ट टाइम आया है मतलब कराची से मरी वगैरह नथिया गली में। मैं सऊद तो 2-3 बार आ चुके हैं। अच्छा आप लोगों को मैंने समझा दिया, अगर आप लोगों ने भी खानसापुरा आना है तो ये जगह है। अभी चलते जाओ, अभी दिखाऊंगा ना जब वो कितनी काम और पीसफुल जगह है। चलो फिर भाई, वक्त ज़्यादा हो गया, हमें अपनी लोकेशन पर भी पहुंचना है, क्योंकि हम लोग निकले थे तकरीबन 2:45 के करीब। स्नैप ले, चलो 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 चलो, ये गाड़ी कहाँ लेके जा रहा है? आ जाए सर, सर चलें चलें सर चलें सर, सर से चला नहीं जा रहा है। तो भाई अयूबिया भी आ चुका है, ये अयूबिया है भाई, अयूबिया की चेयर लिफ्ट, ये ऊपर आप जाओगे ना तो अयूबिया की चेयर लिफ्ट है, और ये बाजार वगैरह है। यहाँ से हमने लिया है राइट, ये जाएगा रास्ता खानसापुरा की तरफ। ये देखो भाई आर्मर्ड हट लिखा हुआ है ना, यहाँ से अब नीचे की तरफ का हमारा सफर है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मज़ेदार, क्या बात है। अच्छा अभी अभी ना बारिश भी हुई है यहीं पर, मतलब नथिया गली और अयूबिया की तरफ, तो मौसम और ज़्यादा मज़ीद ठंडा हो गया है। सऊद मज़ा आ रहा है? सऊद बंद है, चीचा सऊद का बंद है भाई, कड़क धूप है, सॉरी क्या कह रहा हूँ, उल्टी बात कर रहा हूँ, कड़क ठंड है, और ये टी शर्ट ना साथ नहीं देने वाली, तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब्दुल हमने होटल बुक करा है ना आर्मर हर्ट्स, मज़ेदार, बहुत ही बेहतरीन व्यू है, वहाँ से सब दिखाऊँगा, चलते जाओ। हमारी गाड़ी ये जा रही, ये रहा आर्मर हट भाई। हम लोगों ने जो होटल बुक कराया है, रिजॉर्ट कह लो या होटल कह लो, वो है आर्मर हट। खानसापुरा हम पहुंच चुके हैं, और खामोशी देखो,
सन्नाटा देखो क्या मजेदार जगह है भाई। मरी नथिया गली अगर यूबिया घूम चुके हो ना तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ आपका आना जरूरी है। सऊद क्या कहते हो तुम इस बारे में? बेहतरीन जगह है, देखे चलते चलते भी आपको बाकी का व्यू दिखाएंगे। हाँ, अभी हम ये लोग होटल से तकरीबन 200 मीटर ही करीब 400 मीटर बता रहा था 400 मीटर पहले हम लोग उतर गए हैं। अब हम बाय वॉक जा रहे हैं, ये देखो ये बाय वॉक हम तीनों जा रहे हैं, ये देखो ओए 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 कैसा तुम लोगों का थोड़ा फैट भी कम हो जाएगा ना तुम दोनों का, फैटी बॉयज ये देखो। तो भाई अभी हम लोग पैदल पैदल जाएंगे और थोड़ी सी नहीं चाहिए खानसा पूरा बेसिकली हम लोगों ने सेलेक्ट किया था, साउथ ने सेलेक्ट किया था काफ़ी जगह सर्चिंग करने के बाद। नथिया गली आप लोग घूम लिए, पैदल आ जाएंगे ना, कितना दूर है? हाँ आ जाएंगे, मतलब L7 से एक्सचेंज तक। चलो 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 भाई आ रहे हैं, हमने फैसला करा है पैदल पैदल जाने का। और मेरा जहाँ तक ख्याल है ना वो रिजॉर्ट हमारा वो रहा साउथ, इनमें से ही कोई है ना साउथ? दूर है बेटा, पैदल चल के चल लेंगे। चलो भाई हम टूटो ना ये, मैं तो बोल रहा हूँ गाड़ी में बैठ जाओ। आ रहे, आ रहे, आ रहे, चलो बैठ जाओ भाई, नहीं जा सकते क्योंकि 400 मीटर ये बता। ओए होए 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 व्यू चेक करो क्या खूबसूरत व्यू है। अच्छा हम सिर्फ व्यू की वजह से नहीं आए, मतलब सऊद रजाक अफान और मेरा हम लोगों का ये था कि यार शोर ना हो, शराबा ना हो, हंगामा ना हो यार। एक तो जो ना जो मेंटली स्ट्रेस है ना वो रिलीज हो जाए। हाँ बिल्कुल पीसफुल जगह है, ना शोर शराबा जिस तरह मली में माल रोड में शोर नहीं। शराबा हाँ, ये नहीं मिलेगा आपको यहाँ, बिल्कुल यहाँ पे सुकून हो जाएगा, मजा आ जाएगा यार, फैमिली बेहतरीन जगह है। अभी अभी चलते हैं ना, मैं थोड़ा सा आपको रिजॉर्ट से व्यू दिखाऊंगा और कल सुबह जो मॉर्निंग व्यू होगा ना वो भी दिखाऊंगा। अभी पहुंचते तो दिखाता हूँ, ये देख लो भाई आर्मर हट्स। रजाक तो एक्साइटमेंट में सबसे आगे आगे जाया जा रहा है, पैदल है फिर भी भाग रहा है आज साउथ, ज्यादा एक्साइटेड नहीं है ये साउथ भाई? कुछ बोलोगे भाई? एक्साइटेड ओवर एक्साइटेड भाई, ठंड भी नहीं लग रही बंदे को। अफान भाई ले तो आए हो इतने सन्नाटे में, मजा भी आएगा या नहीं? हाँ ये होटल के टॉप से आप व्यू चेक करना, पीसफुल भाई। बेसिकली ये ना आर्मी का मैस है, आर्मी का एरिया है, आर्मी का मैस है और हम लोग ने वो बुक कराया। अभी सब दिखाऊंगा, अभी रुक जाओ थोड़ा, फैमिलीज वगैरह भी आगे, मज़ेदार व्यू दिखाता हूँ। तो भाई होटल रूम में हम लोग आ चुके हैं, बड़ा ही खूबसूरत होटल है आर्मर हट। अभी व्यू दिखाऊं आपको, थोड़ा सा व्यू दिखा रहा हूँ, देखो ये हमारे होटल रूम से व्यू है, है ना मज़ेदार। लेकिन ये व्यू हम दिखाएंगे सुबह 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 दिखाएंगे, अभी नहीं, ये व्लॉग यहीं पे एंड हो जाएगा क्योंकि अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर थोड़ी सी आउटिंग करने के लिए। सब साथ हैं भाई, बहुत ही खूबसूरत होटल है और यहाँ से जो व्यू है ना हो। लेकिन अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी चलेंगे और सुबह व्यू दिखाएंगे। अभी चलो बाहर देखते हैं क्या हम लोग आउटिंग में कर रहे हैं। तो भाई होटल वगैरह में सामान रखने के बाद हम लोग निकल आए हैं, थोड़ा सा हमने बोला चलो चहल कदमी करते हैं, थोड़ा व्यू वगैरह भी आप लोगों को दिखाते हैं। होटल तो बहुत खूबसूरत है और होटल से जो व्यू है ना वो भी बहुत खूबसूरत है, सब दिखाऊँगा आहिस्ता आहिस्ता। खैर ये था हमारा सफ़र इस्लामाबाद रावलपिंडी टू खानसापुरा। खानसापुरा बेसिकली एक गांव है नथिया गली और अयूबिया से थोड़ा आगे। तो बाकी अफान बताएगा आपको इसके बारे में। अफान थोड़ा बताओ भाई ये खानसापुरा कहां पर है, कैसे हम लोग यहां तक आए और कोई आना चाहे तो किस तरह आ सकता है? खानसापुरा बेसिकली अयूबिया से तकरीबन को 3 से 4 किलोमीटर की कोई ड्राइव है, पुरसकून इलाका है बिल्कुल। अयूबिया तक ज़रा रश होता है, आवाम आती है लेकिन आगे नहीं आती। कोई फैमिली आना चाहे तो फैमिली आ सकती है, जो बिल्कुल सुकून पीसफुली जगह है, बिल्कुल सन्नाटा, मतलब रश नहीं है यहाँ पे टूरिस्ट का, बिल्कुल फैमिली के लिए ये बेस्ट स्पॉट है आप कह लें। तो टूरिस्ट स्पॉट है लेकिन बिल्कुल फैमिली के लिए बहुत अच्छा। आइडिया नहीं है लोगों को, लोग अयूबिया तक आते हैं और वहीं से वापस चले जाते हैं। और अच्छा जो हमने होटल बुक करा है आर्मर हट, इसके बारे में भी थोड़ा बताओ, ये हर बंदा आम बंदा मतलब बेसिकली मैं करना चाहूँ तो नहीं कर सकता? लेकिन डिफरेंट यहाँ पे हट्स हैं, कुछ प्राइवेट हैं, कुछ गवर्नमेंट के हैं, कुछ डिफेंस के अंडर आते हैं। आपकी अप्रोच है, आप डिफेंस के किसी भी सर्वेंट से कह सकते हैं कि हमें अपॉइंटमेंट करवा दें, आपको रेफरेंस लगवा दें और वो आपके नाम पे हो जाता है। कोई इसमें कुछ भी इशू नहीं, कोई इशू नहीं। लेकिन उसका जो व्यू है ना आर्मर हट का वो बहुत बहुत आला है। कुछ प्राइवेट हैं हट, उनके बहुत आला है। कुछ जो सिविल गवर्नमेंट के उनके बहुत आला है। कुछ प्राइवेट हैं यहाँ पे जो अपने लोगों ने अपना आबाई बनाए हुए हैं, वो भी बहुत प्यारे हैं। तो जगह इन शॉर्ट बहुत खूबसूरत है। यहाँ भी प्ले लैंड भी है, एक क्रिकेट ग्राउंड भी है
तो इंशाल्लाह बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। और एक अपडेट दे दूं कि सऊद ने चड्डे से अपने शॉर्ट से जींस पर आ गया है, ठंड लग रही है इसका मतलब है, लेकिन अभी भी टी शर्ट पहना हुआ है सऊद। अब नहीं बोला कि मैं पहाड़ी बंदा हूं और हां आप क्या हुआ पहाड़ी बंदे, माहौल में एडजस्ट होना पड़ता है, ठीक है, तो रंग में रंग आना पड़ता है, इसलिए तमाम दोस्तों के साथ हमने भी चलो यार जींस वींस में चलते हैं। तो भाई हम लोग ने ना मैस में पता कर लिया है, वहां पे भी 10:30 बजे तक की टाइमिंग है। अगर ये देखो व्यू, यहाँ से देखो लाइट भी अच्छी पड़ी है ना चेहरे पे, 10:30 बजे तक वहाँ पे खाना जो है मैस में मिलता है, बाकी उसके अलावा वरना फिर आप बाहर से खा सकते हो। तो अभी ये है कि हम लोगों ने बोला चलो थोड़ी चहलकदमी करते हैं, थोड़ा जाके देखते हैं चीज़ें, आपको भी दिखाते हैं खूबसूरत सा जो एक ये गांव है खानसपुर, खानसपुर या खानसापुरा आप दोनों में से जो कहना चाहो कह सकते हो, ये नहीं कमेंट में मेरा मजाक उड़ा रहे हो, लेकिन बहुत ही खूबसूरत जगह है। लेकिन जो होटल से व्यू है ना वो थोड़ा सा मैंने दिखाया है, बाकी आपको मैं दिखाऊंगा सुबह, रूम टूर भी होटल का कराऊंगा। अभी देखते हैं हमारा क्या आगे का प्लान है, फिर आपको भी दिखाते हैं। अभी एक लोकेशन पर हम लोग आए हैं चाय वगैरह पीने के लिए, व्यू देख लिया ना अगर आप लोगों ने यहाँ से तो मज़ा आ जाएगा। वैसे हमारे होटल से भी अच्छा व्यू है बट बहुत खूबसूरत व्यू है। सबर करो थोड़ा रजाक जी, तू इतने मज़े से ये सीढ़ियाँ उतर रहा है ना, बात सुन चढ़ेगा कैसे? बहुत मजे से। अच्छा रजाक इनको बताओ जरा देखने वालों को व्यू कैसा है अभी भाई, आपको दिखाएंगे आप। सबर करो भाई, मैं कहता हूँ खूबसूरत तरीन जगह है, मरी नथिया गली अयूबिया वगैरह को भूल जाओगे, व्यू मैं दिखाने वाला हूँ आप लोगों को। सिर्फ सवार थोड़ा सा है सऊद, तैयार हो फिर बहुत ही खूबसूरत व्यू दिखाने वाला हूँ। 1 2 3 ये देखो, ओए होए 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 माशाल्लाह भाई, व्यू देखो सिर्फ रजाक कैसा खूबसूरत व्यू है, जन्नत वह है जन्नत यार, इतना खूबसूरत व्यू है ना, दूर दूर तक पहाड़ है ना, मतलब अभी भी मतलब कैमरा मेरा गोप्रो बहुत अच्छा रिकॉर्डिंग करता है माशाल्लाह से, स्टेबलाइजेशन क्वालिटी, लेकिन जो आंखों से व्यू देखने को मिल रहा है ना मेरे पीछे, क्या ही बात है यार, क्या ही बात है। इंजॉय करने दो व्यू, आप लोगों को भी दिखाया है होटल से भी, हमारा इससे भी अच्छा व्यू है, सुबह में सनराइज भी दिखाऊंगा, अभी व्यू इंजॉय करने दो। खानसापुरा दिल जीत लिया यार आपने। तो भाई गर्मा गर्म खाना आ चुका है, हमारे पास है चिकन कढ़ाई और यहाँ पे क्या है, ओए खोलिएगा सऊद भाई, मजेदार टिक्का, क्या बात है सऊद, भूख लग रही है शदीद मुझे लग रहा है, ठंड में भूख बढ़ जाती है भाई, ठंड भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है अभी, टेम्परेचर सऊद कितना है, 10-11 और हम अभी भी टी शर्ट में हैं, लेकिन हम वहाँ पे जहाँ गए थे रिफ्रेशमेंट वगैरह खाने के लिए पीने के लिए चाय वगैरह आपको दिखाया था व्यू, मेरी बैटरी गोप्रो की बिल्कुल डेड हो गई थी, अभी खाना आ गया है, बहुत शदीद भूख लग रही है, जो मैं पठान हूँ मेरे को ठंड नहीं लग रही, और ये देखो अभी शॉल में बैठा हुआ है, अभी मैं पठान हूँ मुझे ठंड नहीं लगती शॉल में बैठा, और हम अभी भी टी शर्ट में, खैर ठंड हमें भी लग रही है, अभी हम लोग बस खाना खाएंगे और फिर होटल का थोड़ा सा आप लोगों का रूम का विजिट करवाता हूँ। सुबह से हम लोग निकले हुए हैं तकरीबन 2 बजे से भाई, काफ़ी भूख लग रही है, और हमने नाश्ता किया था सऊद रजा, कितने बजे नाश्ता किया था हम लोगों ने, 11:30 उसके बाद से सिर्फ रिफ्रेशमेंट पे चल रहे हैं, बहुत घूमे हैं, अब बस खाना खाने दो, मज़ेदार कढ़ाई और टिक्का। इन खाली प्लेटों से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो किस शख्स ने फोड़ा होगा, मज़ा आया फिर भी आई मज़ा, लेकिन थोड़ी बहुत कसर रह गई भाई, कढ़ाई टिक्का आहा विद नान, मज़ा आ गया। अच्छा अभी ये लोग ना यहाँ पर है तो मैं आप लोगों को हल्का सा रूम टूर भी करवा देता हूँ, अगर रूम लॉक ना हुआ, आ जाओ ये आ गए हम अपने रूम में, ओ लॉक है अफान भाई चाबी दो ना, अफान चाबी, तो ये आ गए हम अपने रूम में, और अब मैं लाइट ऑन करता हूँ पहले। ओ भाई साहब आप रूम चेक कर रहे हो भाई, ये 2 बेड है, 2 बेडरूम डबल बेड, सॉरी 2 बेड कह रहा हूँ, ये देखो यहाँ पे टीवी वगैरह लगा हुआ है बहुत ही खूबसूरत, यहाँ पे मैंने अपना लैपटॉप वगैरह रख दिया है, शूज़ वूज़ रजाक लोगों ने यहाँ उतार दिए थे। अच्छा हम 4 लोग हैं साथ में, और यहाँ पे वॉशरूम भी दिखाते हैं आपका भाई, आपको वॉशरूम भी दिखाया गया, ऐसे थोड़ी, ये देखो भाई साफ़ सुथरा वॉशरूम है, सेपरेट शावर एरिया है, और यहाँ पे हमारी छोटा सा एक आप कह लो वैनिटी बनी हुई है, और आपका भाई, तो भाई ये एक छोटा सा रूम टूर था,
अभी हम लोगों ने खाना वगैरह खा लिया है, बहुत ही मज़ेदार चिकन कढ़ाई और टिक्का। लेकिन यह है कि आज हम थक बहुत गए, ऐसे ही है ना रजाक, क्योंकि हम सुबह से निकले हुए हैं रावलपिंडी से। सऊद ने आके हमें 9 बजे उठाया, वहाँ से हम निकले, पिंडी से आए हम लोग खानसापुरा, खानसापुरा से फिर हम लोगों ने थोड़ा सा घूमे वगैरह, ट्रैकिंग वगैरह के लिए कल का हमने प्लान करा नथिया गली का। तो भाई ये हमारा आज खानसापुरा का जो है वो आप कह सकते हो मज़ेदार सा व्लॉग था। इसको मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करके मुझे अपना फेवरेट पार्ट बताना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार कल का भी एक और व्लॉग मैं बनाऊंगा इंशाल्लाह ताला। और स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे मैं जाऊंगा कराची एडिट करके आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आई होप आप लोगों को पसंद आ रहे होंगे। कोई भी आप लोगों को इशू हो तो मुझे ज़रूर बताना इंशाल्लाह ताला। फिर ऐसे मज़ेदार व्लॉग में मिलेंगे। रावलपिंडी टू खानसापुरा, अगर खानसापुरा आना होना तो फैमिली के साथ आके एंजॉय कर सकते हो। प्रोसीजर बता दिया, आर्मर हट कैसे बुक होगा, ये सब खैर मज़ेदार बातें थी। कल सुबह उठते हैं और एक नए व्लॉग में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।